पूछ लाई लेते हैं साहब, लेकिन हमार सब के आधार कार्ड बनवाओ ते न राशन कार्ड बनवा। दो लड़की के मर गए बिना खाए, तीन लड़की के जियत है हमार, कुल लड़के मर गए बिना खाए, चार चार पचपन दिन दस दस दिन उपवास कई के खाली का कहे जाते हम सब जियत है, तीन लड़के जियत है बस। इतना बड़ बड़ लड़के चार चार पचपन साल हो के बिना खाए मर गए, का कहे जाते हैं हमारा आधार कार्ड बनवाओ ते न राशन कार्ड बनो, दाना भी मर जाता है न कौन कोई काम मिले तो मतलब धंधा मिले तब कहाँ जाए साहब कमाए, जब काम धंधा मिले तब लड़के बच्चे खर्चा बच्चे खियावे, जब काम ही ना मिले तो कहाँ से लड़के बच्चे कमाए खियावे बतावे। अब हम सब मरत है बिना खाए, न आधार कार्ड बना राशन न कार क्यों करवा, तुमने धंधे क्यों करो, जब काम धंधा करो तब मन जुहाई खियावे लड़के बच्चा के प्रधान नहीं गए। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको हरिकरणपुर गांव की तस्वीर दिखा रहा हूं। भदोही जिले का ये हरिकरणपुर गांव है, जहां के रोजगार सेवक ने इन सब का पैसा निकलवाया और सब पैसा लेके चंपत हो गया। कोई मंटू करके है, हाँ पूरा नाम मुझे उनका पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस आदमी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और हर गांव में जितने भी रोजगार सेवक एक्टिव रूप से काम कर रहे हो सब पे शिकंजा कसा जाए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में इन सब का सबसे बड़ा हाथ है, गरीबों का हक कटवाने में, गरीबों का आवास कटवाने में इन रोजगार सेवकों ने जितना चरस बोया है ना, इनको तो नरक में जगह नहीं मिलेगा जिस तरीके से ये लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इनकी तस्वीर देखिए, इनकी सूरत देखिए, इनकी इनकी हैसियत देखिए, वो छोटी सी हैसियत देखिए, उम्मीद मर चुकी है इनके अंदर की इंसानियत वो भी मर चुकी है, कि इंसानियत वाला कोई आया नहीं। ये मैं जीता जागता तस्वीर और उदाहरण मैं आपको भदोही से दिखा रहा हूं। ये एक गांव की समस्या नहीं है, ऐसे तमाम गांव हैं, ऐसे हजार गांव हैं जहां पे एक तरह की समस्या चल रही है, गरीबों पिछड़ों दलितों के साथ ये हाई फाई लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, इस कभी भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा। बने रहिए, देखते रहिए dilankadhan.com। शुक्रिया।